तेज बोलो थोड़ा अरे यार बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, ये सब मत बोलो यार तुम लोग। अरे It's already hot over here. I don't know what to do. कैसा लग रहा है आपको? क्या नहीं लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। नहीं लग रहा। स्टॉप लेते हैं, पिट स्टॉप। ओह, पिट स्टॉप अंग्रेजी ब्लश। हमारा मेन पर्पस था 50 के नोट वाली फोटो खिंचवाना, हमने खिंचवा लिया। पहले इधर शिव का मूर्ति था, वो बोमानी सुल्तान पूरा टूट के। बोमानी सुल्तान ने क्या किया यहाँ पे आके, क्यों आया? पूरा नाचना किया सर। बोला सियापति रामचंद्र की जय। परेशान पति घर आया गया, टोपियों पे लिए बेचारा बैग लिए। वन वाइफ सिंपल लाइफ, टू वाइफ बिजी बिजी लाइफ, नो वाइफ नो लाइफ, नो लाइफ पीस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। वेलकम और वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। बहुत दिनों बाद शूट कर रहे हैं कुछ, और आज हम लोग जा रहे हैं हम्पी। मैं मिलाता हूँ आपसे कौन कौन है हमारे साथ। तो सबसे पहले है हमारे बिलियन राइडर बोलेंगे ना इसको, नहीं बाइक में। गाइस सौरभ भाई इतना एटीट्यूड, हाय हेलो बोलो इधर, देख ही रहा है। बोलो हाय बे। हाय गाइस। और पीछे बैठी हुई शैलजा से हाय। हाय द शैलजा द वन एंड ओनली द द्विवेदी। सब काट दूंगा। कृति से हाय। हेलो हाय। सो वी आर फोर पीपल। और अगर आपने मेरे पहले व्लॉग देखे हैं तो सौरभ भाई तो आप मिले ही होंगे कसौल वाली सीरीज में। नहीं अगर आप नहीं बोले तो मैं आपको लिंक जरूर देता हूँ, कसौल वाले जरूर देखिए। 90% में फर्स्ट 1% में सौरभ भाई आउट हो गए थे, थोड़ा सा सर घूम रहा था। सो एनीवेज ट्रिप स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं बैंगलोर से जल्दी। सुबह निकल रहे हैं, 7 बज रहे हैं अभी के, और हम लोग का रास्ता है 350 किलोमीटर, जो तय करेंगे हम लोग करीब 6 किलोमीटर 6 घंटे में। बोलो हर हर महादेव, जय सियाराम, जय सियाराम। कुछ बोलना बोल लो। जय बाय गाइस, जय बजरंगबली कृति द्वारा। सो गाइस थोड़ी आवाज कम करते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। सो बात कुछ ऐसी है गाइस कि शहर से निकल चुके हम लोग, सॉरी घर से निकल चुके हम लोग, अभी शहर में फंसे हुए हैं, फंसे भी नहीं है, ट्रैफिक अभी कम नहीं है आज, जल्दी निकलने का फायदा ये रहता है। और ब्रेकर आ गया गाइस, एक सेकंड रुकिए, दो काम एक साथ नहीं कर पाता हूं। ये गाना चल रहा है, समझ रहे हैं, गाड़ी चल रही है 35 की स्पीड में गाइस। सो सुबह क्या नाम है, जैसे मैं 5 बजे उठ गया था, मैं मेरा प्लान था 6 बजे निकल जाने का, कि थोड़ा बैंगलोर ट्रैफिक हम थोड़ा स्किप कर देंगे, बट इन लोगों ने लेट कर दिया, सबको भजन भी करना था, पूजा भी करनी थी, गार्लिक ब्रेड और चाय भी पीनी थी, उससे थोड़ा लेट हुआ है। मैं 40 मिनट हम लोग लेट निकले, उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक फंसे हुए हैं, बट एनीवेज मजा आ रहा है। बाकी लोगों से पूछते हैं उनको कैसा क्या सीन है, मजा आ रही नहीं आ रही, गाना बंद करते हैं इस पहले। तो पूछते हैं सबको कैसा क्या लग रहा है। सो सौरभ भाई बताएं कैसा लग रहा है आपको? मेरे को मजा तो नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि हर बार मजा आ रहा है बोलना अच्छा ही लगता है। ठीक है। और शैलजा पूछते हैं, शैलजा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तेज बोलो थोड़ा। बढ़िया। अरे यार बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, ये सब मत बोलो यार तुम लोग। तुम लोग पता है क्या, तुम लोग उधर डरते हो फालतू में हो, कुत्तों का सीन, मेरी बात तो सुन लो, मैं सिखा रहा हूँ, नहीं क्या होता पहले बीच में, नहीं क्या होता है कि जब आप कुत्ता आप दिखे आपको, आप उसकी तरफ मत देखिए, वो आपकी तरफ नहीं देखेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पीछे अगर आए तो एक बार कह दो हट, बस ऐसे बोल दो। ठीक है, जहाँ पे हट करोगे क्या कि अब मैं सुबह चाय पीने का मन किया, सब तो सो गए 4 बजे, तो मैंने रेंट करी यूलू, 3:30 बज रहे थे, मैंने रेंट करी क्या करी यूलू। ठीक है, यूलू गाइस देख रहे हो, एक रास्ता देखा बिल्कुल पूरा सुनसान रास्ता था, मैं यूलू निकाली, भाई कम से कम ऐसा लग रहा था कि 40-50 हज़ार कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, ऐसा लग रहा, इतनी तेज जो आवाज आई थी, तो ना बिलीव नहीं करोगे, मैं निकल रहा हूँ, मैं यूलू चल रही है, ऐसे करते निकल गया मैं पूरा, लिटरली इतना गंदा तेज चिल्लाया और कुत्ते भी लगे, मैं भी वहा इस तरह लड़ता हुआ उनसे, कोई कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, उस दिन बाद मैं डर भाग गया था। शायद मैं बता रहा हूँ, तुम लोग उस गली से निकल जाओ तो तुम लोग कसम से, इसलिए कुत्ते डरो मत यार, दे आर वेरी लवली, बहुत तेज, क्योंकि मैं भी आधी रात को कोई यूली लेके चला आ रहा है तो कुत्ते फटेगी ना, कुत्ता भी फटती है गाइस, ऐसा थोड़ा ना है, और यूली तुम्हारी 25 से ज्यादा चलेगी, तो इसलिए चिल्ला रहा था ना बहुत तेज मैं, अगर बाइक वाइक से होता ना तो कुछ और सोल्यूशन निकालता, गवार जैसे ना चिल्लाता। फंसे हुए जाम में, तो अभी सुबह 6:30 पे निकले थे, 10 बार बता चुका हूँ मैं, बट अगली बार से तो मैं जिसका अभी ट्रिप पे जाऊंगा सुबह 4 बजे निकाल दूंगा उन्हें बैंगलोर से, तो चलो हो गया, नींद गाड़ी पूरी कर लेना, मैं चला लूंगा गाड़ी, बट निकलो जल्दी क्योंकि भाई ये बैंगलोर ट्रैफिक है तो थोड़ा खराब, मानना नहीं चाहता मैं बट है, बड़ी गाड़ी लेनी नहीं चाहिए, अब इतनी बड़ी ठीक है, वो कितनी छोटी कहाँ से निकाल लेता भाई, मोटरसाइकिल ले लेता मैं, नैनो लेनी चाहिए थी गाइस, नैनो फिर समर सॉल्ट मारती ना हाईवे, वो तो 60 की स्पीड में टेक ऑफ कर जाएगी नैनो। हाँ तो सौरभ हम ये कह रहे हैं कि वो तो आपकी पहली रोड ट्रिप है, ऐसा कैसा लग रहा है आपको?
भाई बढ़िया लग रहा है, बट गाड़ी चलाने को मिलता तो ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अरे तो बिल्कुल लीजिए, अभी आप लीजिए, अभी ले लो तुम ये ट्रैफिक वाले में। हाईवे अगर किसी ने गाड़ी मांगी तो देखते हैं आज सौरभ कृति भाई के साथ कैसा सफर रहता है, क्योंकि पहली बार भाई लोग सरो ट्रिप पे जा रहे हैं। ये लोग हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मतलब कॉलेज में तो क्या ही फ्रेंड, मतलब बाद में धीरे धीरे फ्रेंड बने। कॉलेज में मतलब सी एस ब्रांच के थे हम इसी, तो सी एस वाले लोग ज्यादा किसी दोस्ती करते हैं डीसी वालों से, डीसी वाले थोड़ा छोटा समझते थे लोग। सो अभी सौरभ भाई चीज पूछ रहे थे कि कॉपीराइट क्यों आ जाएगा, मत बताइए बीच में कि कॉपीराइट क्यों आएगा एंड ऑल, तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी एक यूट्यूबर बडिंग यूट्यूबर हैं मेरे जैसे, ठीक है, तो अगर आप कोई लाइसेंस्ड म्यूजिक यूज करते हैं विदाउट लाइसेंस तो ऑब्वियसली कॉपीराइट आएगा यूट्यूब में। तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, नहीं फर्क पड़ता है, मतलब हो सकता पड़ता हो क्योंकि सारे मतलब जमाई में सब ले रही है पता है इसी में। जो भी है तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने एपिडेमिक साउंड का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो शायद पर मंथ का $10 कुछ चार्जेस हैं उसके। तो अगर आप इसे इस तरह कोई सर्विस आपने अगर आपको डालना है वीडियोस और कंटिन्यू करना है प्लान, तो आप भी कुछ ऐसा ले सकते हैं और उसमें आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक काफी सारा वो लुक दे देते हैं। जैसे मान लो ये वाला गाना सुने अगर, हाँ एक गाना है, अभी सुनना गाना सुनना है, बताना कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा और कहां से क्यों नहीं आएगा। हाँ गाइस, इसमें कॉपीराइट नहीं आ पाएगा। तो गाइस इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो स्टार्टिंग का बीट है तो वो बीट एक्चुअल गाने से मैच कर जाएगा, तो बीट पकड़ के उसको कॉपीराइट डाल देगा, बट इस आवाज सुनकर तो कोई कॉपीराइट डाल पाएगा। सो गाइस हम लोगों का गाना सुनने का मन कर रहा है और व्लॉग बनाने का भी मन कर रहा है, तो अब हम गाना भी बजाएंगे व्लॉग भी बनाएंगे विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक। सौरभ भाई बैंक ऑन द टॉप, अब हटा दियो, अब मेरा कान नहीं झेल पाएंगे सब। अरे यार खत्म हो गया, अरे यार गाइस सस नहीं हो पाया गाइस। एक छोटा सा सुसु पॉटी ब्रेक लिया था, सबकी सुसु पॉटी हो गई है और निकलते हैं यहाँ से, और अभी थोड़ा मतलब सुसु पॉटी के साथ साथ चाय भी पी रहे हैं हम लोग ताकि नेक्स्ट सुसु की तैयारी हो सके। कैसा लग रहा है? नो कैमरा, नो कैमरा, लग रहा तुम्हें वो पपी देखो? ओके गाइस, बात कुछ ऐसी है कि करीब कितना किलोमीटर चल दिया है, 210 किलोमीटर भाई ने खींच दिया आपको छोटे भाई ने। अगर आप छोटे भाई मानते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाकी लोग से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। कृति, सो 200 किलोमीटर भाई ने गाड़ी खींची, कैसे चलाया, कैसी चलाई गाड़ी? बहुत बढ़िया चलाई। अरे बढ़िया चलाई, अच्छा चलाई, सब मत बोलो। शैलजा पूछते हैं, शैलजा कैसा लग रहा है? काफी स्मूथ चल रहा है, सीनरी बहुत ज्यादा सुंदर है। हमने विंड मिल्स देख लिए, हमने सॉल्ट माउंटेन्स देख लिए, यहाँ पर इतनी सारी खेती हो रही है साइड में, बहुत अच्छी सीनरी है। सो देखा आपने, जैसे शैलजा ने बताया बाकी लोग बढ़िया है, मौज इग्नोर करिए, और ये खेती होती है दैट वाज द याद किया हुआ था पिछले 10 मिनट, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। गाइस बाय द वे हम लोग हम्पी जा रहे हैं जो कि हनुमान जी का जन्म स्थल है, तो वहां जाके हम आपको काफी अच्छी चीजें दिखाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए इस व्लॉग से, अभी स्किप मत करिएगा प्लीज, ठीक है। अब आपको कुछ रास्ते के नजारे दिखाते हैं। एंड नाउ वी आई विल आस्क शैलजा अबाउट गाजियाबाद, स्टोरी बताइए। गाजियाबाद में एक बहुत ही ऑस्कर विनिंग मूवी बनी थी जिला गाजियाबाद, और उसमें मेरे घर के सामने वाली रोड आई है, और बस आप गाजियाबाद में आ सकते हैं। 3 साल से जिला गाजियाबाद में तेंदुआ आ रहा है, उसी शूटिंग स्पॉट में घूमने। सो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लिया है, सुसु पॉटी ब्रेक लेना पड़ता है बीच बीच में, तो अभी हम लोग बस हम्पी आधे घंटे का रास्ता रह गया, अराउंड 30 किलोमीटर्स रह गया है, और नज़ारे काफ़ी सुंदर है, मतलब हम्पी वाले एरिया में जो पहले बेसिकली जो बैंगलोर से जो पूरा रास्ता है हम्पी तक का,
NH48 पहले रहेगा, फिर NH50, NH50 अभी ख़त्म हुआ है और अब चालू हुआ है हम्पी एक्सप्रेस वे। तो इससे हम लोग अब बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे और नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सही हैं। टर्बाइन विंड टर्बाइन क्या बोलते हैं ना, बचपन में पढ़ते थे इनसे। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम्पी। काफी पत्थर थर पड़े हुए, जो हमने स्टोरी सुनी थी, स्टोरीज के बारे में थोड़ी देर बताएंगे, गलत नहीं बता सकते, बट अभी आपको रास्ता दिखाते हैं कहाँ आ गए गाइस हम, कहाँ खो गए हम, कहाँ हो गया हमारे साथ। रोडी खत्म हो चुकी है गाइस, जैसा लग रहा है सीधे हनुमान जी से ही मिलने जा रहे हैं हम लोग। गाइस काफी खतरनाक रास्ता को एक्सप्लोर करने के बाद, थोड़ा एडवेंचर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हम्पी बोल्डर्स रिसॉर्ट। सो गाइस आर यू एक्साइटेड? हम लोग इसका नाम है हम्पी बोल्डर्स रिजॉर्ट, द लिंक इज इन द बायो, प्लीज डू चेक इट आउट। अच्छा लगे वो आप बताइए बाद देख के। सो हम लोग को तो मजा आ रहा, थोड़ा सा नेचुरल वाइब है, जंगल टाइप का है, काफी पेड़ वगैरह चट्टाने हैं। और भैया ने, भाई किस चीज का जूस है? कोकम जूस। तो भैया ने कोकम जूस ही पिलाया, बढ़िया लग रहा है, पी के देखते हैं। काफ़ी ही ज़्यादा नेचर के करीब टाइप की चीज़ हो गई है। और मतलब आपको बताता हूँ मैं कैसा सीन क्या है कि एक्चुअली यहाँ पर ना हर जगह से चट्टाने पड़ी हुई हैं, आपको चट्टान दिख रही है गाइस, तो ऐसी चट्टाने हैं, तो उन्हीं चट्टानों पे सेटअप करके भाई पूरा विला ही बना दिया है। पूरी प्रॉपर्टी अगर वो बोल रहा है कि अराउंड 100 acres में फैली हुई, ऐसा कुछ सीन है। तो इनके रिजॉर्ट में ही काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कर सकते हैं। सनसेट पॉइंट पे ले जाते हैं और ऑफ रोडिंग वाली जीपी वाली हैं, कुछ चीज़ें चार्जेबल हैं, कुछ चीज़ें फ्री है। ऑफ रोडिंग वाला उसका शायद 400 rupees पर पर्सन कुछ है। सनसेट पॉइंट पे ले जाते हैं वो तो बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल ही जंगल है, आप समझ लीजिए जैसे आप ये देख रहे हैं। भाई साहब कुछ तो क्रेजी टाइप चीज़ है। तो अगर आप ये जंगल वंगल से पसंद है आपको तो आप ऐसी जगह आके रुक सकते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतना प्रॉपर्टीज़ पर इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, कैसा क्या है, मैं तो काफ़ी लो बजट प्रॉपर्टी ढूंढता हूँ जब भी घूमने जाता हूँ। बड़े सौरभ भाई ने बुक करी थी, ढूंढ के बुक कर दी, तो प्रॉपर्टी अच्छी है, आप 4-6-8 दोस्त आना चाहो तो आके रुक सकते हो आराम से, बहुत ही ज़्यादा नेचर है भाई। तो बस हम लोगों ने चेक इन कर लिया, सामान वगैरह रख दिया है, चेंज वगैरह कर लिया, और ब्रेकफास्ट लंच का सीन यहाँ पे ऐसा है कि वो अरे वो सब क्या छोटी छोटी बातें बताऊँ, सब आके पता कर लेना। और आज मोस्टली चिल ही करेंगे, चिल का मतलब कि रिलैक्स करेंगे, और कल निकलेंगे हम्पी। एक्चुअली ये जो रिजॉर्ट है भाई हम्पी में नहीं है, यहाँ से हम्पी 26 kilometers दूर है। तो अभी मैं कैमरा रख रहा हूँ अंदर और जा रहा हूँ थोड़ा चिल करने, और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द चिल करके, समझ रहे हैं।